ओ भाई नहीं नहीं इसको नहीं, ये तो मेरी जान है, इसको मत तोड़ना। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। चल दे यार घर जा रही हो, गलती होगी ना मालिक, मालिक गलती होगी, मालिक गलती होगी। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। मतलब यहाँ की गुंडी हो, यहाँ की गुंडी हो तुम, इतनी पावर, मोटी हो गई ना आराम का खा खा के और क्या गधे का खा रही हो। वेलकम बैक टू द तूफानी राइडिंग में आपका स्वागत है। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे हो। तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई जा रहा है आज राइड करने के लिए, और कहा आज जा रहा हूँ बहुत ही प्यारी सी जगह, आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आजकल यार थोड़ा सा आपको वीडियो भी बोला होगा यार, प्लीज़ सपोर्ट करो यार, क्या कर रहे हो यार गाइस, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। और देखो क्राउड यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ओहो लो फंसा दिया भाई, ये फंसा दिया, सबसे ज़्यादा क्राउड ना यहीं मिलता है भाई, सबसे ज़्यादा कितने भी कोशिश करता हूँ ना बचने की, क्राउड ना मिले पर यहीं पर मिलता। पता नहीं क्या हो गया हमारी यहाँ जगह को, बनने के लिए तैयार हो रहा अभी तक, एक साल से तो मैं देख रहा हूँ, एक साल से अभी तक तैयार नहीं हुआ बनने के लिए गाइस। ओ बाप रे, तो गाइस वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी ना, बस क्लियर आनी चाहिए, क्योंकि माइक ना थोड़ा सा मेरा सही नहीं है, कंफर्टेबल नहीं हो रहा माइक, और माइक कंफर्टेबल नहीं होता तो फिर वॉइस भी सही से नहीं आती। और देखो ठुल्ले साहब खड़े हैं, ये देखो वर्दी में वो काट दिया उसका चालान, सॉरी वो जो भी काटा हो काट दिया। तो गाइस आज हम जा रहे हैं प्यारी सी लड़की से मिलने के लिए, आपको मिलवाता हूँ। आज प्यारी सी लड़की का नाम क्या है आपको जानते होंगे, अभी मैंने उसको प्रपोज किया था कुछ दिन पहले, तो वो मुझे बुला रही है, फ़ोन करा था उसने, यार आ जाओ बहुत दिनों से मिले नहीं है, तो आज उससे मिलते हैं और आपको बताते हैं। और मैं ना ऑलरेडी पहले से ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, उसने मुझे बोला था 3:30 बजे आने का, बट मैं 4:30 बज चुके, 1 घंटा लेट हो गया हूँ, और अभी मुझे आधा घंटा तो लगेगा उसके पास जाने का। तो फाइनली फिर भी हम यहाँ से निकल चुके अपने इधर से, और अपनी बैंक को अपने रेडी वेडी कर लिया था, और बस लाइफ में जो भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है यार, बस कर रहे हो अपने ऊपर यार, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे अपने भाई के ऊपर, पहले जितना प्यार देते इतना प्यार दो यार प्लीज़, कंटिन्यू वीडियो आएगी अब, और अपना प्यार दिखाते रहना बस जी, और कुछ नहीं। और भाई काफ़ी को लेना देना नहीं है, उसकी लाइफ है, जो उसको जहाँ जाना जाने दो, मेरी लाइफ है, मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, वो भी अपने करियर पे ध्यान दे रही है, मैं भी अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही मुझे कोई लेना देना उससे। तो गाइस प्लीज़ बस मुझे सपोर्ट करो, अपने भाई को प्यार दो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने ख़त्म कर लिया लड़ाई कर ली, हाँ बातचीत कभी कभी हो जाती है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन मैं वो नहीं रखना चाहता किसी के लिए हेट या किसी के लिए बुरापन, वो जो भी था ठीक था, हमारी लाइफ में जो कुछ हुआ ऊपर वाला कुछ सिखा के ही जाता है, ऐसा बुरा वक्त आता है ना लाइफ में तो कुछ सिखा के ही जाता है। तो गाइस बस यही बोलने वाला हूँ, तो आप लोग भाई को सपोर्ट करो। और मौसम देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है यार, कसम से मौसम ने आज ना मज़ा आ गया, मौसम देख के एकदम मस्त मौसम। और भाई मैं आ चुका हूँ साउथ टेक्स, जो इंसान मेरा वेट कर रहा है साउथ टेक्स का हो रहा होगा, पर लेकिन वो मैं ना गुस्से में लाल हो गया होगा, क्योंकि भाई मैं बहुत लेट हो गया हूँ, और टाइम देख रहे हो क्योंकि यार देखो दूर से आना पड़ रहा है, तो और क्राउड जाम बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जाम मिलता है। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कालका जी, और इधर से यहाँ पे काफ़ी क्राउड हो रहा है यहाँ पे पार्क पे, यहाँ पे अंदर क्या होता है, यहाँ पे अंदर क्या है, पार्क जाते हैं। तो गाइस इधर पार्क है भी, जिस इंसान का हम वेट कर रहे हैं वो आएगा उसके बाद। ओ भाई कितने पास से लेके जा रहा है यार, तो अब हम पार्क जाएंगे उसके बाद, देखते भी इधर खड़ी कर लेते अपनी बाइक को, यहाँ पे खड़ी करके थोड़ा स्पेस वगैरह मेमोरी में स्पेस नहीं हो। गाइस फाइनली जिसका हम वेट कर रहे थे, वो वेट की घड़ी निकलती हुई, तो वो इंसान आ चुका है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, और वो इंसान आ चुका है, अब ये नहीं पता वो है किधर,
बोल रहा था इधर ही हूँ, पहले ढूंढना पड़ेगा क्योंकि भाई ढूंढना भाई हर चीज़ को ढूंढना पड़ता है, ये किस्मत ऐसी है जहाँ पे हर चीज़ ढूंढना पड़ रहा है। तो भाई अपनी किस्मत को ढूंढते हैं, और मेरी किस्मत किधर है मुझे मुझे दिख तो गई है, और भाई दिखी और पता नहीं वहाँ खड़ी है तीसरे गेट पर लगी। अब देखते हैं भाई, बात करते हैं, एक तो गुस्सा होगी कितने टाइम से गए कहाँ, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, बहुत टाइम लगा दिया एक तो मैंने। वो देखो गाइस इधर से आ रही है, अब ये कौन आ रहे हैं? हाय कैसे हो? ओ व्हाट्स अप डूड, ये देखो गाइस इस इंसान के चक्कर में लेट हो रहा हूँ मैं, देखो ये आए देख रहे हो कितने नखरे करे, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पे जूस पी रहा था, ठीक है, आप ही नहीं मिल रहे थे, मुझे लग रहा है आप गुस्से हो गए, मैं इतने लेट आया हूँ मुझे मारे हो गए या थोड़ा गुस्सा हो गया मेरी वजह से। 3:30 बजे दिया था आपने? अरे यार वो ना तुम इतनी सुंदर थी तो मुझे डर लग रहा था यार कि तुम्हारे पास जाऊँगा तो फिर डर सी होगी ना इसलिए। तो गाइस ये देखो जिस इंसान का हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे वो इंसान ये रहा, और ये रही वो लड़की जिसने हमें जीना आराम कर रखा। मारो और मारा ही जीना आराम कर रखा यार लड़की ने। तो यार देखो मैं इधर से आया हूँ, इधर से आने के बाद मुझे वो मैं कालका जी मंदिर उधर था, मैं वहाँ चला गया, फिर आपने आप बोला मेट्रो स्टेशन, वहाँ पहुँच गया मैं, वहाँ से आपका पता ही नहीं आप कहाँ थे कहाँ। हाँ अच्छा जी, अच्छा जी ये था क्या? तीन बजे वो झूठी, 3 बजे की नहीं, 3:30 बजे की दी थी आपने, 3:30 बजे की दी थी। हाँ कितने बजे? टाइमिंग क्या हो रही है? आधा घंटा ही तो लेट हो। ओ ओ भाई नहीं नहीं इसको नहीं, ये तो मेरी जान है, इसको मत तोड़ना। डेढ़ घंटा यार गलती हो गई, सॉरी यार। अबे यार गुस्सा क्यों हो रही है तुम, हद है यार, घर जा रही हो, गलती होगी ना मालिक, मालिक गलती होगी, मालिक गलती होगी, घर जा रही है। अबे यार हद है, आज चल चिज्जी खिलाऊंगा 1.5 रुपए वाली, अरे चिज्जी खिलाऊंगा यार, क्यों यार हद है, गलती होगी, जाम भी तो मिलता है ना बहुत ज्यादा, टाइम से नहीं निकला था यार निकल, हैं हाँ। तो बहुत ही काम होते, कोई वेला नहीं बैठा हुआ है। अरे यार मैं तो वेला बैठा हूँ यार। वेला बावड़ी पूछा ना इसलिए। अच्छा यार इतना गुस्सा अच्छा ही लगता तुम पे यार, इतनी क्यूट हो यार तुम। अगर किसी लड़की को लाइन चेप लियो तो चुपवाए। मुझे चेप नहीं, मैं किसी और को चेपता ही नहीं, मैं तो तुम्हें ही चेपता हूँ। मक्खन लगवा लो, अगर मैं अगर काश अगर मैं काश मक्खन होता ना मैं तुम पे लग जाता। मेरा बस ही नहीं चलता यार, यार गुस्सा तो मत हो यार, अच्छा ही लगता है तुम्हारी नाक पे, इतनी क्यूट सी नाक है यार ये तुम्हारी, छोटी छोटी सी। बहुत बुरी है नाक। नहीं जीभ है तुम्हारी बुरी, वो जो तुम इतनी लंबी निकालती है उससे टन से ही नाक, बचपन में ना तुम ना नाक खा लेती होगी अपना ऐसे कर कर के। याद है क्यों, लेकिन अच्छी लग रही है यार सच में। गाइस अपनी बैंग बैंग को अपनी खड़ी कर दी है यहाँ पे, और वो लड़की आ चुकी है, तो अभी चलते हैं। वो अभी थोड़ा गुस्सा हो गई थी पर कोई नहीं, मैंने उसको मना लिया, पर अकेली आई है बेचारी, मैं सोचता था अपनी फ्रेंड को भी लेके आएगी पर लेकिन नहीं आई। कोई बात नहीं गाइस, हम इसके साथ ही कर लेंगे। अब देखो इसने क्या लिया है, ये कहाँ रखा था तुमने, ये तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं था, ये तो है ही नहीं थी तुम्हारे पास में, सच में यार नहीं थी ये तो, ये किसको दिया था तुमने, कोई आया हुआ क्या तेरा दोस्त वगैरह? कैरी गई ये पन्नी में ले गई टी शर्ट, कितनी सारा हाँ, अबे देखो पन्नी में तो प्रसाद खाने आई थी क्या यहाँ पे, क्या करना है? फिल्टर गई देखो ये लड़की फिल्टर लगवा रही है, अभी देखो देखो कैमरा साफ करना भाई, देखो इसमें ये बड़े बड़े लोग, देखो कौन सा ले रखा है इसने, 13 कौन सा, 11 प्रो। और भाई मैं कैसा आ रहा हूँ देखो गाइस, ओ बाप रे मैं देखो कैसा आ रहा हूँ फोन में। चलो ठीक है गाइस, मैं इसका ना शूट कर दो, रील शूट कर देता हूँ बेचारी की पहले, और इसको ना मैंने मना लिया है सच में, मान गए ना तुम? आई लव यू, आई लव यू सबको, आई लव यू, आई लव यू सो, आई लव यू।
सबको आई लव यू बोलेगा, इस लव यू टू मत बोलना कमेंट। तुम्हारा भाई निकल रहा है आयश के साथ, बहुत सारे शूट कर लिए आज, इनकी रील्स भी बना दी, अपनी भी बना ली है ना। एक घंटे में बहुत ज्यादा थक गई है, एक ही घंटा। गाइस इनकी आदत नहीं रही क्योंकि एक साल से कोई शूट नहीं कर रही थी, ऐसी बस अपना मस्ती में शूट करती थी है ना। तो गाइस मुझे एक गुस्से में चित देख रहे हो, एक गुस्से में चित कर दोगी। तो गाइस पहले हम लोग ना बहुत मस्ती करते थे, हम लोग ना बहुत चिल रहते थे लाइफ में, हमें कोई मतलब नहीं रहता था किसी से कोई मतलब, कौन क्या कर रहा है। अब तुम्हारा भाई वही कर रहा है ना, किसी से कोई मतलब, कौन कहाँ है कहाँ नहीं है, अपनी चीज़ों में व्यस्त है हम लोग। पहले हम एकदम दोनों बहुत मस्ती करते, लड़ाई करते थे एक दूसरे को। क्या हरकतें करनी है, किसको पीटने चाह रही हो तुम? यहाँ की मतलब यहाँ की गुंडी हो तुम? इतनी पावर, मोटी हो गई ना, आराम का खा खा के इतनी। और क्या, गधे का खा रही हो? अच्छा तुम्हारे पापा का नाम मानिक चंद है, तो गाइस आपको पता चल गया होगा आप कि इसके पापा जी का नाम मानिक चंद है। अच्छा सबके पापा अच्छे होते हैं वैसे? ओ आई नो। अच्छा ठीक है, तो अब कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा आपके होम ड्रॉप कर दो आपको आज ही, 150 रुपये लूँगा ड्रॉप करने के। अच्छा आपके मुँह से नहीं अच्छा लग रहा है, 160। तो वैसे चलते हैं, इनको ड्रॉप करते हैं और हम भी अपने घर की तरफ निकलते हैं क्योंकि हमें टाइम हो रहा है, भैया भी बुला रहे हैं आज हमें जल्दी, हमें उनके साथ काम में थोड़ा हाथ बढ़ता है ना। तो अब चलते हैं फाइनली, बहुत टाइम हो चुका है। चलो भाई। ओ भाई क्या चुम्मा क्यों दो, बेफालतू गई चुम्मा, मैं तुम्हारा पति हूँ गई। देख कितने मजे ले रही है, माइक लगा के क्या। ओ भाई देख रहे हो लड़की का, पागल हो गई है लड़की। कहाँ ले जाओ आपको पागल खाने, चलो घर छोड़ देता हूँ आपको मैं, इधर से ही ना। ओके फ्लाईओवर के नीचे को जहाँ भी आप बताओ मैं वहीं से लेके छोड़ दूंगा आपको। और ये शिकार है पापा की परी स्कूटी, तुम्हें भी स्कूटी आती चलाना है, चलाई करोगी? ओके किधर को, इधर को? अच्छा इधर गाइस, इधर अपन जाएगा इधर। तो गाइस फाइनली यहाँ पे आ चुके हम इंडिया गेट, इंडिया गेट पे देखो ये दिखा क्या रहा है, देखो इंडिया गेट में पूरा इंडिया गेट देख रहे हो कितना मस्त हो रहा है इस टाइम, जबरदस्त। तो यहाँ से निकलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पुलिस वाले हैं, इनको कान तोड़ दी जाएगी, मार दी भाई। इंडिया गेट में होता कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा होगा इस वजह से। और भाई मौसम बड़ा प्यार हो रहा है, और यार मैंने लोकेशन देखनी पड़ेगी बार बार भाई, तुम्हारे भाई को लोकेशन। राइडर हो रही है भाई, कहाँ जा रहा है, और भाई और सब भाई किधर जा रहे हो? द्वारका। सही है भाई द्वारका जा रहे हैं, हमें तो जाना है पीतमपुरा यार, हमें पहले अपना पीतमपुरा का रूट देखना है, हमें तो रूट भी नहीं समझ आ रहा है क्या है यार, समझ नहीं आ रहा यार, यही रूट है कौन सा रूट है समझ नहीं आ रहा। तो ये वाले लग रहा है, ये हो रहा है एक बार यहाँ से खड़े हो और रोक के देखो पटेल नगर करोल बाग मतलब।